हेलो गाइस, होप्स आप सब लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। यहाँ पे एक नया पार्सल आया है जिसमें है एक नई टेक्नोलॉजी, होल न्यू टेक्नोलॉजी का बोर्ड मैं लेके आया हूँ आपके पास। एक नया सीपीयू आर्किटेक्चर है, ये कोई आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर नहीं है, ये x86 बेस्ड आर्किटेक्चर नहीं है। इस बार मैं लाया हूँ RISC-V बेस्ड आर्किटेक्चर वाला सीपीयू। RISC-V का सीपीयू इसमें लगा हुआ है एंड देखते हैं, इसको खोलते हैं, अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे इसकी वीडियो आज की वीडियो में, एंड कैसे कैसे ये चलता है, कैसे ये बोर्ड दिखता है। एंड ये जो बोर्ड है अभी कमर्शियली लोगों के लिए अवेलेबल है। वैसे तो इंडस्ट्रीज में RISC-V पे प्रोसेसर चलते हैं, बट ये वन ऑफ द कह सकते हैं कि एक बोर्ड है, आते तो चार पांच बोर्ड है बट ये भी एक बोर्ड है, पॉपुलर है थोड़ा सा ये बोर्ड जो कि RISC-V प्रोसेसर के साथ आता है। तो आज की वीडियो में जल्दी से मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है, कैसा ये बोर्ड दिखता है, क्या क्या इसमें आपको फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो चलो वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो कुछ बॉक्स इस तरीके से रहने वाला है, छोटा सा ही बॉक्स है। यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज मेरी अप्लाई हुई है, 700-800 के अराउंड अराउंड मेरी कस्टम ड्यूटीज लगी थी। तो जल्दी से आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी शिपिंग डिटेल्स है, यहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन है, बाकी और कुछ डब्बे पे नहीं मिलता है। खोलने के बाद अच्छे से इसको पैक किया हुआ है, फोम्स वगैरह अच्छे से लगाए हुए हैं। डायरेक्ट आपको बोर्ड इटसेल्फ मिलता है, कोई भी आपको इसमें अडेप्टर या पावर सप्लाई वगैरह इसमें नहीं मिलता है, नहीं आता है। डायरेक्ट इटसेल्फ बोर्ड आता है जो कि आने वाला है Star-5 टेक, ये जो Star-5 की तरफ से आने वाला है। Star-5 कंपनी का नाम है, Vision-5 2 इस बोर्ड का नाम है। RISC-V आर्किटेक्चर बेस्ड इसमें प्रोसेसर यूज किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्ब्रेस चेंज, एम्ब्रेस द फ्यूचर। ओके, ऑन द बैक साइड यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, मिशन इनका कुछ है, RISC-V 2 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस RISC-V सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, ऐसे कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर है जो कि RISC-V के साथ आता है, जो कि हाई परफॉर्मेंस में है। जो भी आते होंगे शायद इनसे लो परफॉर्मेंस में होते होंगे, बट इनका कहना है कि काफी हाई परफॉर्मेंस में है। तो खोल के देखते हैं डब्बा, डब्बे में मिलता है डायरेक्ट बोर्ड सेल्फ, ये बोर्ड रहने वाला है और कुछ डब्बे में और नहीं है, डब्बा खाली ही। डब्बे में इटसेल्फ बोर्ड मिलता है, बोर्ड आपको दिखाता हूँ कैसा है दिखने में। तो कुछ इस तरीके का ये बोर्ड रहने वाला है, तो ये कुछ इस तरीके का बोर्ड रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी कॉमन चीजें आपको दिख रही होगी, जैसे GPIO पिंस हो गए, CSI DSI कनेक्टर्स वगैरह हो गए, यहाँ पे बीच में प्रोसेसर हो गया, यहाँ पे रैम हो गई, ये सारी चीजें आपको बेसिकली दिख रही होगी। तो चलो फिर बैक साइड से आज शुरू करते हैं कि बैक साइड में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो ओवरऑल आप पहले लुक ले लो कि ऐसा कुछ ये दिखता है, देख लो ये बोर्ड ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे आप देखो यहाँ साइड व्यू। चलो फिर बैक साइड से मैं शुरू करता हूँ क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको एक SSD लगाने के लिए स्लॉट मिल जाता है M.2 का, ये देख सकते हो। यहाँ पे आप ये देख रहे होगे, ये इनकी जो EMMC चिप आती है, अलग से वो माउंट कर सकते हो। काफी सारी मार्केट में भी अवेलेबल होती है, अलग अलग कंपनीज बेचती है, जैसे मैंने रेडेक्सा एक कंपनी है जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स ही बनाती है, वो भी एक अलग से बेचती है, एक आप इस पे लगा सकते हो जो कि EMMC मॉड्यूल आता है उनका, वो लगा सकते हो, मे बी शायद ये कंपनी भी बेचती हो। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक SD कार्ड का कनेक्टर, SD कार्ड यहाँ से लगा सकते हो। इसमें देखो दो स्टोरेज ऑप्शन, दो नहीं तीन स्टोरेज ऑप्शन है कि तीन तरीके से आप इसको बूट कर सकते हो। एक तो हो गया अपना NVMe से, और NVMe लगा सकते हो M.2 की, या फिर SSD वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे EMMC की एक मॉड्यूल आती है, वो यहाँ पे लगा सकते हो। थर्ड वन इज यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगा के आप इसको बूट कर सकते हो। बूट ऑप्शन के लिए फ्रंट साइड में हमें दे रखा है बूट सेलेक्टर, ये वाला हो गया बूट सेलेक्टर। ये जो आपको यहाँ छोटा सा ये चीज दिख रहा है, ये इसको कहते हैं बूट सेलेक्टर। यहाँ से आप बूट सेलेक्ट कर सकते हो कौन से आपको बूट ऑप्शन से उसको बूट करवाना है। ऑन द फ्रंट साइड आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये GPIO रेल्स मिल जाएगी, मे बी ये जो चार पिन आपको दिख रहे हैं ये ईथरनेट के हो सकते हैं, POE पोर्ट के हो सकते हैं, आई डोंट नो, मे बी हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, यहाँ पे आपको CSI कनेक्टर ये वाला मिल जाएगा एंड DSI कनेक्टर ये वाला मिल जाएगा। तो ये CSI, ये DSI, ये दो कनेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मेन प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि RISC-V का प्रोसेसर है, वो Star-5 का ही प्रोसेसर है, जो कि ये Star-5 जो कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो Star-5 आपको लिखा हुआ होगा। प्रोसेसर का नाम आपको मैं बता देता हूँ, JH7110। ओके, JH7110 प्रोसेसर का नाम है,
जो कि स्टार फाइव इन्हीं कंपनी जो ये कंपनी थी स्टार फाइव उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो चीज है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको आई गेस आरटीसी कनेक्टर है या फिर पावर इन के लिए आई डोंट नो ये पोर्ट मिल जाता है। ऑन द फ्रंट साइड आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा जो कि पावर इन के लिए रहेगा, ये पावर इन के लिए पोर्ट रहेगा। नेक्स्ट साइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस साइड में भी यहाँ पे कुछ नहीं है, ज्यादातर पोर्ट्स इस वाली साइड पे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये दोनों पोर्ट मिल जाएंगे आपको लैन के, गीगाबिट इथरनेट वाले लैन है ये दोनों, दोनों गीगाबिट इथरनेट के पोर्ट्स है, तो दोनों गीगाबिट रहने वाले हैं। यहाँ पे एक HDMI रहने वाला है, HDMI का वीडियो आउटपुट HDMI 2.0 है, तो मतलब 4K अराउंड ये आउटपुट देगा। और आपको USB 3.0 मिल जाते हैं, दिस इज क्रेजी, मैं पहली बार किसी एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में देख रहा हूँ जिसमें चार आपको 3.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.0 आपको कैसे पता करना है, यहाँ पे आप पिंस देख सकते हो, 9 पिंस यहाँ पे सोल्डर्ड होती है ईच ऑफ द USB, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक USB का 9 पिन सोल्डर होगी, और अगर नॉर्मल USB 2.0 होगा तो वहां पे सिर्फ 4 पिन ही सोल्डर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो USB 3.0 के पोर्ट्स लगा रखे हैं इन्होंने जो कि 4 रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपको एक ऑक्स का पोर्ट मिल जाएगा जो कि ऑडियो आउटपुट के लिए रहने वाले हैं। बोर्ड में इटसेल्फ कोई और पोर्ट्स नहीं है। एक बार मैं आपको डीप डाउन स्पेसिफिकेशन बताता हूँ आपको इस बोर्ड में क्या क्या मिलता है जो कि वेबसाइट पे मेंशनड है इनके, एक बार जल्दी से आपको वो बता देता हूँ। जो प्रोसेसर रहने वाला है वो स्टार 5 का JH7110 64-bit का ये प्रोसेसर रहने वाला है, 64-bit ये प्रोसेसर रहने वाला है जो कि RISC 5 का है ये प्रोसेसर, अप टू 1.5 GHz पे क्लॉक्ड है, ये ठीक ठाक क्लॉक्ड है, मतलब स्पीड में आई डोंट थिंक सो की कमी आने वाली है, बट एज अ न्यू टेक्नोलॉजी न्यू आर्किटेक्चर है तो मतलब बग्स भी इसमें होंगे एंड इतना स्मूथ ये रहने वाला नहीं होगा क्योंकि नया एक आर्किटेक्चर है, एक नया CPU आर्किटेक्चर है। तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे 3 रैम ऑप्शंस मिलते हैं, LPDDR4 की रैम लगी हुई है इसमें, जो करेंटली अभी मेरे पास है उसमें 4GB की लगी हुई है, बट आप इसमें 8GB एंड 2GB तक दोनों आते हैं, मतलब 2GB 4GB एंड 8GB ये 3 रैम के आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको स्टोरेज के लिए मैंने आपको बताया TF कार्ड वगैरह इसमें 3 स्लॉट्स हैं, वीडियो आउटपुट HDMI 2.0 आपको मिलता है, और MIPI और DSI कनेक्टर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, दो तरीके से आप वीडियो आउटपुट ले सकते हो इसमें। और नेक्स्ट जो चीज है इसमें, बाकी आपके जो कनेक्टर्स मैंने बताए थे वो सारे कनेक्टर्स मेंशनड है वेबसाइट पे। नेक्स्ट आपको पावर के लिए आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 5V DC सपोर्ट करेगा और PD भी ये सपोर्ट करेगा, मतलब ये जो USB टाइप सी मैंने आपको बताया वो PD सपोर्टेड है अप टू 30W, तो 30W का आप अपना PD चार्जर इसमें यूज कर सकते हो इसको पावर इन करने के लिए। GPIO पावर से भी आप इसको पावर कर सकते हो, GPIO की पिंस अलग मेंशन होगी इसकी डेटा शीट में, देखनी पड़ेगी कौन सी है GPIO की। 5V सेम रहने वाला है अप टू, मतलब मिनिमम आपको 5V एट 3A आपको देना पड़ेगा, मतलब 15W मिनिमम आपको देना पड़ेगा। एंड पावर ओवर इथरनेट आपको बताया था ना मैंने, पावर ओवर इथरनेट के पोर्ट्स हैं, तो पावर ओवर इथरनेट भी इसमें अवेलेबल है, पावर ओवर इथरनेट भी आप इसको कर सकते हो। 40 GPIO पिंस मिल जाएंगे जो कि रास्पबेरी पाई वगैरह में मिलते हैं, जो भी जैसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर आते हैं उसमें आती है। डायमेंशन की बात करूं मैं तो इसकी 100mm by 72mm, मतलब 10cm by 7.2cm का इसका dimensions है। और जो बटन आपको दिखाया था वो रीसेट बटन है, ये वाला जो आपको बटन दिखा रहा था मैं, ये वाला जो बटन है वो रीसेट का बटन है। वेबसाइट पे और कुछ मेंशन नहीं है, एक बार आपको वेबसाइट में और दिखा देता हूँ। इस तरीके की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें मेंशन हो रखी है, इनकी ब्रांडिंग है स्टार 5 की। अभी इनके करेंटली सिर्फ 2 ही बोर्ड्स हैं, विजन 5 एंड विजन 5 2। अभी विजन 5 2 इज लाइक अपग्रेडेड वर्जन है, एंड वो विजन नॉर्मल विजन 5 से ज्यादा लाइक कहते हैं ना कि ज्यादा प्योरिफाइड है, मतलब थोड़ा सा एडवांस कह सकते हो कि मतलब थोड़ा सा बग फ्री है। तो ये कुछ मेंशंस कर रखे हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हो आराम से। एंड नीचे आ जाता हूँ तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन इनकी दी हुई है, वीडियो पॉज करके देख लेना। बाकी
जो आपको थोड़ा बहुत रिस्क फाइव के बारे में बता देता हूँ। रिस्क फाइव जो होता है, रिस्क फाइव के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो एक ओपन, मतलब ओपन सोर्स एक आर्किटेक्चर रहता है कि एवरीवन कैन यूज द आर्किटेक्चर, कोई भी मतलब उसको वो आर्किटेक्चर सीपीयू आर्किटेक्चर यूज करके उसको बना सकता है। सो रिस्क फाइव का बेसिक मतलब यही रहता है कि कोई भी उसको बिल्ड कर सकता है उसके प्रोसेसर्स वगैरह। कुछ इस तरीके का ये बोर्ड रहने वाला, आप सामने से भी एक बार देख लो, ये बोर्ड कुछ इस तरीके का रहेगा। अब बिना किसी देरी के जल्दी से एक एसडी कार्ड में मैंने इसमें एक फाइल मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया था। ये 8GB की जो एसडी कार्ड है इसमें मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रखा है। तो जल्दी से इसको मैं लाइक इसमें लगाना है, यहाँ से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ये क्लिक हो जाएगा अपने आप ही, लाइक ऐसे क्लिक हो जाएगा एंड वो इंसर्ट हो चुका है। तो जल्दी से इसको पावर इन देता हूँ और वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, देखते हैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके, इसको चलाते हैं कैसा परफॉर्मेंस वाइज है। तो पावर इन करने के लिए मैं यहाँ पे एक पावर बैंक यूज कर रहा हूँ जो कि पीडी सपोर्ट करता है अप टू 22.5 वॉट, तो अच्छा खासा पावर कर देगा मेरे को मतलब इस बोर्ड को। एंड यहाँ पे एक टाइप सी केबल यूज कर रहा हूँ। तो सिंपल आपको तो कनेक्शन पता ही है, जल्दी से मैं मॉनिटर से कनेक्ट करता हूँ, आपको चला के दिखाता हूँ और वीडियो में बने रहना। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोर, कोर कैसे दिखता है लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी पैकेजिंग दिखाता हूँ आज। ये कोर है, कोर कुछ इस तरीके से पैक हो गया था, ये नया बैच आ गया है, जो जिसको भी खरीदना है वो नए बैच से खरीद सकता है। कोर कुछ इस तरीके का दिखता है, कोर एक कीचेन है बेसिकली, यहाँ का मैं फोटो डाल दूंगा कोर कीचेन की, तो आप इसको खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में, अवेलेबल करा रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे इंस्टा पे जाके मेरे को डीएम करो और वहाँ से इसको खरीद सकते हो। तो चलो वीडियो में जल्दी से मैं इसको सेटअप करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कनेक्शंस देख सकते हो, ये मेरा पावर बैंक है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट हो रखी है, चल चुका है मतलब थोड़ी देर में डिस्प्ले भी आ जाएगी यहाँ पे। एंड यहाँ से मैंने अपना मॉनिटर कनेक्ट कर दिया है, तो सिंपल कनेक्शन है, कोई कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ आ चुका है, देख सकते हो। ये आरबीएन जो ओएस मैंने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि इसमें सपोर्ट उबंटू भी करता है, काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अभी सपोर्ट करते हैं, लाइक अभी ये वन ऑफ द मतलब लाइक अभी बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस में है, और ये पहला ही एक बोर्ड है जो रिस्क फाइव को इतना मतलब हाई परफॉर्मेंस में सर्व कर रहा है। तो इसके लिए अभी काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑलरेडी सपोर्टेड है, और इसको मतलब लाइक उबंटू है इसमें, मतलब लाइक काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। उबंटू मैंने इसमें अभी इंस्टॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि उबंटू का थोड़ा सा प्रोसेस जो है रिस्क फाइव में इंस्टॉल करने का थोड़ा सा लंबा है, जो आरबीएन था वो डायरेक्टली मैंने अपना इंस्टॉल कर लिया था, मतलब आप जो आपके एचआर वगैरह आते हैं एचआर सॉफ्टवेयर से वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो गए थे एसडी कार्ड में, तभी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले भी आ चुकी है, तो एचआर वगैरह से मैंने डायरेक्टली इंस्टॉल किया था उसको और वो डायरेक्ट इंस्टॉल करके मैं चला पा रहा हूँ। बट जो उबंटू का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का सपोर्ट चाहिए, तो इसीलिए मैंने अभी डाला नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ चुका है, लेट मी जस्ट कनेक्ट माई कीबोर्ड, यहाँ से मैं कीबोर्ड उठा लेता हूँ, ओके कीबोर्ड पीछे टॉगल ले लेता हूँ, टॉगल कनेक्ट करके जल्दी से पासवर्ड इसमें एंटर करते हैं। यहाँ पासवर्ड एंटर कर दिया, ये अभी डेस्कटॉप पे जा रहा है। यहाँ पे आप एप्लीकेशंस देख सकते हो, लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशंस का, यहाँ पे भी कुछ कुछ आइकन्स वगैरह आ गए हैं, थोड़ा सा काइंड ऑफ ये स्लो तो है, देखो अभी अर्ली स्टेज पे है ये चीज, एंड ज्यादातर डेवलपर्स अभी इस पे टिंकरिंग भी नहीं कर रहे इतने, तो अभी अर्ली स्टेज पे है एंड तो थोड़ा सा आपको इशू तो आएगा ही, बट हाँ थोड़ा सा ही जो रिस्क फाइव के जो प्रोसेसर्स हैं वो आर चीपर देन आर्म प्रोसेसर्स। इसका अगर आप इंडिया में, मैंने देखा अगर आप इंडिया में रोबू या फिर किसी और वेबसाइट से खरीदोगे तो अराउंड अराउंड आपको 11-12 हजार रुपये का मिल जाएगा, एंड अगर आप चाइना से इंपोर्ट कराओगे तो अराउंड अराउंड $100 का ही आपको बोर्ड पड़ेगा, $100 7-8 हजार रुपये में आपको ये वाला बोर्ड मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले आ चुकी है, आर्मी लिखा हुआ है। तो चलो एक बार रिस्क फाइव के प्रोसेसर को आज टेस्ट करते हैं, पहली बार रिस्क फाइव का प्रोसेसर जो कि इतना पावरफुल, मैंने इससे पहले भी आपको एक रिस्क फाइव का प्रोसेसर दिखाया था, बट वो इतना पावरफुल नहीं था, वो बहुत मिनी था, बिल्कुल इतना सा साइज का था वो बहुत, बट ये वाला बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है रिस्क फाइव का प्रोसेसर। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऑप्शंस, यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं,
ये सारे कुछ ऑप्शंस रहने वाले हैं यहाँ पे। रन प्रोग्राम, टर्मिनल, फाइल मैनेजर, मेल रीडर, वेब ब्राउजर आपको मिल जाएगा, सेटिंग आपको, एक्सेसरीज, ग्राफिक, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ऑफिस सिस्टम, डोनेट का ऑप्शन भी यहाँ पे डाल रखा है इन्होंने। एंड क्योंकि डोनेट का ऑप्शन इसलिए डाल रखा है क्योंकि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड दीज आर ओपन सोर्स, आपको कोई चार्ज नहीं करना होता है इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करने के लिए। जैसे विंडोज आप खरीदते हो तो लाइसेंस की वगैरह खरीदनी पड़ती है, उबंटू में आप कई बार लाइसेंस की खरीदनी पड़ती है, तो वो उनकी तरह नहीं है, ये थोड़ा ओपन सोर्स होते हैं तो इसीलिए वो लोग डोनेट के लिए यहाँ पे डाल देते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। लॉग आउट का ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे आपको डेट दिखा रहा होगा 28 मार्च, बट आज 28 मार्च नहीं है, पुरानी डेट है ये। एंड ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेट मी जस्ट कनेक्ट विद द इंटरनेट, मेरी केबल कहाँ गई भाई, केबल निकाल लेता हूँ, ये लैन की केबल रहने वाली है, ये लैन की केबल रहने वाली है, जल्दी से मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ लैन एंड फिर आपको दिखाता हूँ इसमें इंटरनेट का सपोर्ट कैसा है। लाइन कनेक्ट कर दिया मैंने, लाइन की लाइट देख सकते हो चालू हो गई यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी दिखा गया कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, तो कनेक्शन सेट हो गया है। ओके, तो कनेक्शन सेट हो गया यहाँ पे, तो जल्दी से मैं जाता हूँ इंटरनेट पे, चल भाई इंटरनेट पे, इंटरनेट पे वेब ब्राउजर पे जाता हूँ, चलो इंटरनेट में तो डायरेक्ट कोई क्रोमियम वगैरह आ नहीं रहा है, तो वेब ब्राउजर पे गया, तो वेब ब्राउजर फेल टू एग्जीक्यूट यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो यही कुछ इश्यूज की वजह से जो है, मैं बता रहा था ना कि थोड़े बहुत इश्यूज वगैरह आते हैं इसमें, इतना स्मूथ नहीं है थोड़ा सा, जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से मतलब थोड़ा सा करना पड़ेगा, लाइक अभी भी इसमें लाइक चला भी नहीं पाया मैं सही से, देखो थोड़ा सा लैगी है, क्लिक करो फिर थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स आता है, लैगी तो है, देखो देखो लैग बहुत करता है ये। एक बार इसमें जब मैं उबंटू आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा तभी कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि उबंटू इज लाइक वो भी सजेस्ट करते हैं कंपनी वाले भी कि आप इसमें उबंटू डाल के चलाओ, उबंटू थोड़ा सा इसमें स्मूथ चलता है। अभी मैंने आरबीएम चलाया हुआ क्योंकि आरबीएम इजीली इंस्टॉल हो गया, तो आज की वीडियो में आपको मैं जल्दी से इसको टेस्ट करके भी दिखा पा रहा हूँ। सो बेसिकली यही कुछ इंटरफेस वगैरह रहने वाला है, दिक्कत तो देखो है ही, फाइल मैनेजर एक बार आपको बस खोल के दिखा देता हूँ कि फाइल मैनेजर वगैरह कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला है, कैसे काम करने वाला है। देखो थोड़ा सा लैगी है, थोड़ा सा स्लो तो है, थोड़ा सा लाइक ये आर्किटेक्चर नया है और सीपीयू नया है तो दिक्कत तो रहने वाली है, क्योंकि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन बैठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी नई टेक्नोलॉजी है टाइम लगेगा, तो हम सबको ही वेट करना पड़ेगा कि धीरे धीरे वो इवॉल्व हो, धीरे धीरे वो सेट बैठे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से। देखो अटक ही गया बिल्कुल, तो थोड़ा सा इश्यूज है अभी, ये जो नए प्रोसेसर आए हैं RISC-V के, जो RISC-V का ये नया प्रोसेसर आया है Vision 5 2 में, तो देख सकते हो अभी भी यहाँ पे लोडिंग ही ले रहे हैं, तो इश्यूज देखो अभी तो है थोड़े बहुत रहने वाले हैं, अब जाके लोड हुआ है। और यही अभी कोई एक आर्म प्रोसेसर होता है, अभी आपने मेरी टेस्टिंग वाली वीडियो देखी होगी कुछ, कि वो उसमें तुरंत ही खुल जाता है, कोई इतना लोडिंग टाइम नहीं लेता है वो बिल्कुल भी। ये देखो अभी टाइम लिया इसने, फिर लोड किया, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है। सो वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, अगर मैं ज़्यादा इसको टेस्टिंग करूंगा, टेस्टिंग क्या इसमें चीज़ें सही से चल भी नहीं रही अभी तो प्रॉपरली, एक बार मुझे इसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, अच्छे से सेट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से पूरा टेस्ट करूंगा। लाइक मैं अगली वीडियो में आपको सीधा उबंटू ही टेस्ट करके दिखाऊंगा इसमें कि उबंटू कैसे चलता है, क्योंकि आरबीएम के टेस्ट तो कंपनी वालों ने भी नहीं किया है, आरबीएम मुझे वैसे ही इंटरनेट पे मिल गया था इसके लिए, तो मे बी कोई वीडियो भी नहीं है आरबीएम की टेस्टिंग वाली पे, तो इसको छोड़ते बाद में, बट उबंटू मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सीधा टेस्ट करके दिखाऊंगा RISC-V के इस बोर्ड Vision 5 2 पे, सीधा उबंटू टेस्ट करेंगे एंड वो देखेंगे कैसा टेस्टिंग में चलता है, क्या परफॉर्मेंस वगैरह आती है। 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, तो लाइक रेसबेरी पाई 4 जो आता था, रेसबेरी पाई 4 जितनी तो परफॉर्मेंस आनी ही चाहिए। सो वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कोर खरीदना है तो मेरे को DM कर लेना, मैं इंस्टाग्राम पे 350 रुपीज में प्लस फ्री होम डिलीवरी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो अभी वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड लाइक हीट का आपको एक बार और बता देता हूँ कि हीट वगैरह क्या कर रहा है प्रोसेसर, तो ये आप देख सकते हो, मैं टच करता हूँ
थोड़ा सा हीट है, थोड़ा सा हीटिंग इशू है इस पे, वो लगाना पड़ेगा मेरे को हीट सिंक। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हीट सिंक भी लगा दूंगा मैं इस पे, और हीट सिंक लगाने के बाद ही टेस्ट करूंगा, क्योंकि विदाउट हीट सिंक मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप कोई भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटर इस पे कोई भी कंप्यूटर मतलब चलाओ, विदाउट हीट सिंक नहीं चलाना चाहिए। वो टाइम के साथ वो आपके प्रोसेसर को डैमेज करेगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड करेगा, तो विदाउट हीट सिंक मत चलाओ। टेम्परेचर जो है अराउंड 50 से कोशिश करोगे 50 से नीचे ही रहे, 50-55 के मतलब अराउंड रहे, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर ना जाए। जैसे अभी इस पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, लाइक हाँ अराउंड 60 डिग्रीज के अराउंड होगा, मतलब जो मैं फील कर पा रहा हूँ। सो वीडियो को चलो यहीं तक रखते हैं, होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कुछ इंटरफेस रहने वाला है जो कि मैंने बता दिया, तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं।